गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट वन और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण है और आगे भी हम काफी सारा प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच लेके आएंगे। और आज का जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए प्रीवियस ईयर से, और प्रीवियस ईयर गैस आपको ऐप पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनका जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। और ऐप का जो लिंक है गैस हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, हालांकि टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगा और ऐप पे भी मिल जाएगा, ऐप पे एक सिक्वेंस में मिलेगा। एंड गैस पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, और हम नॉन टेक वाला पार्ट देखें, नॉन टेक ही आप लोग के बीच कवर कराने वाला। पहला क्वेश्चन है देखें, निम्न में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करता है, या भारत के प्रधानमंत्री करता है, या भारत के न्यायवादी करता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। ऑप्शन ए को आप लोग टेक लगा के चले आइएगा, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या न्यायाधीश, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता तो होना ही चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले, जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण होने वाला है। राष्ट्रपति भारत राज्य के एक प्रमुख होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री भी होगा, तो आप लोग राष्ट्रपति को टिक लगा के चले आएगा। और लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। हम आगे इसी सबसे क्वेश्चन आपको बना के भी पूछेंगे जब मॉक टेस्ट होगा, तो यहीं से क्वेश्चन भी सेट कर लेंगे यहाँ पे। एंड थोड़ा सा और इनके बारे में देखेंगे, भारत में जो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से लेके 62 में चर्चा किया गया है हमारे संविधान में यहाँ पे, और भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गैस अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है यहाँ पे, और संसद के दोनों सदन और सभी राज्य के जो विधान मंडल है और दिल्ली, पौंडीचेरी, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये सब बातों को जानकारी रखेंगे, कोई फिजूल की बात नहीं लिखा गया, तो प्लीज मन लगा के पढ़ेंगे यहाँ पे। और पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड को आप लोग शेयर करेंगे, गैस पहली बार है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गैस क्वेश्चन टू यहाँ पे देखें, फल का जो स्वाद है मीठा किसके कारण से होती है, मल्टोज के कारण से, या राइबोस के कारण से, या ग्लूकोज के कारण से, या फॉक्टोज के कारण से। आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, हल्का गैस बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी अगर नॉन टेक है तो नॉन टेक तो आपको पढ़ के जाना ही होगा यहाँ पे। हालांकि गैस मैंने इनके बारे में मेंशन किया, फलों का जो मीठा जो स्वाद के कारण है वो फक्टोज है, और फक्टोज चीनी का एक प्राकृतिक रूप है यहाँ पे, और यही कारण है कि फक्टोज की बड़ी मात्रा के साथ फल मीठा होता है, और फक्टोज एक ऐसा तत्व है जो कि फलों के स्वाद में मीठा बनाता है, और यह एक प्रकार के चीनी होता है जो पहले से मानव शरीर में ग्लूकोज के साथ मौजूद होते थे। ये जितनी भी बात यहाँ पे मेंशन किया गया, ये सारे के सारे आपके एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड गैस क्वेश्चन थ्री यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बात करें उन आंदोलन का नाम बताओ जो वर्णों को सामान्य जन जागरूकताओं का जीवन का उदाहरण है, चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या हरित क्रांति, या वन महोत्सव। आंसर कर जाएगा चिपको आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस मैंने चिपको आंदोलन से रिलेटेड यहाँ पे काफी पॉइंट मेंशन किया हूँ, और ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण होगा। चिपको आंदोलन की पहली जो लड़ाई है गैस 1973 में शुरुआत होती है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे, तो ये भी बातों को जानकारी रखेंगे। 1973 को चमोली डिस्ट्रिक्ट को भी याद रखेंगे, उत्तराखंड को भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। और गैस इस आंदोलन की जो शुरुआत है चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी के साथ की गई थी, और इसका जो नेतृत्व है भारत में अगर बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुण किए थे यहाँ पे, तो ये भी बातों को जानकारी रखेंगे। और जंगल में गैस अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के 1973 में उत्तराखंड में गैस चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत होती थी, ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। एंड गैस फोर क्वेश्चन देखेंगे, मेट्रो किस शहर में मेट्रो रेल के साथ स्थानीय शब्दावली है, जयपुर, मुंबई, बेंगलोर, या हैदराबाद। आंसर क्या जगह बेंगलोर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूछा गया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे, कभी बाई चांस कहीं पूछ दे तो आप लोग टिक लगा के चले जाइएगा। एंड फाइव क्वेश्चन को थोड़ा अल्टरनेट रूप से घुमा के पूछा है, डांडी मार्च, जिस मार्च और डांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत माना गया है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या चोरा चोरी कांड, या भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे डांडी यात्रा के बारे में यहाँ पे मेंशन किए, शुरुआत कब होती है 1930 में होती है, नेता कौन होते, मुख्य नेता महात्मा गांधी होते हैं, और इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, साबरमती आश्रम से होती है जो कि गुजरात में है, और किस तारीख को होती है, 12 मार्च 1930 को होती है। इस आंदोलन में बात गए 78 लोग होते हैं यहाँ पे, और लगभग इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है लगभग 388 किलोमीटर दूरी चलने के बाद जो इनका गंतव्य स्थान है डांडी वहाँ पे पहुँचते हैं, और जो नमक का कानून उनको तोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये भी बातों को अपने अकॉर्डिंग जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, बाकी तो आपको ऐप पे एक सिक्वेंस में सारा मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, फिर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा एक सिक्वेंस में मिल जाएगा यहाँ पे। एंड गैस क्वेश्चन सिक्स यहाँ पे बात करें,
ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का जो निर्माण करने वाला जो शासक है निम्न राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो गैस गंग राजवंश है या चोल राजवंश है? देखिए आंसर तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी और डी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख सकते गैस ये है गैस गंज वंश यहाँ पे। हालांकि गैस दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे एक विख्यात राजवंश था, तो ये भी थोड़ा सा जानकारी रख लेंगे यहाँ पे। हालांकि बिहार का एग्जाम है तो थोड़ा बहुत बिहार के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। एंड सात क्वेश्चन है गैस, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? मैकमोहन या पाक स्टेट लाइन या रेड क्लिफ लाइन या डूरंड लाइन? तो क्या हो जाएगा इस रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन किया जो कि आपके एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण होगा। तो जैसे कि मैं दो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया, एक तो पाकिस्तान के साथ गैस रेड क्लिफ लाइन शेयर करता है, और पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया का बॉर्डर बात करें गैस 3323 किलोमीटर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया। बांग्लादेश के साथ यहाँ पे तो बांग्लादेश गैस पूर्वांचल बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पे, जो कि अगर बॉर्डर बात करेंगे तो लगभग 4000 सबसे ज़्यादा बॉर्डर अगर बात करें तो किस देश के साथ साझा करता है इंडिया, तो बांग्लादेश के साथ ही करता है 4000 से भी ज़्यादा यहाँ पे। बाकी चीन के साथ गए मैकमोहन रेखा साझा करते हैं 3380 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। भूटान के साथ इंडो भूटान बॉर्डर साझा करते हैं 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करते हैं 106 किलोमीटर करते हैं। तो ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। एंड आठ क्वेश्चन देखे गए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या है 250, 233 या 238 या 245? 250 हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस 250 अधिकतम हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम तो आई थिंक 245 है। 238 हम बात करने वाले स्टेट एंड यूटी से चुन के आते हैं, और 12 गैस यहाँ पे प्रतिपति के द्वारा चुन के आते हैं यहाँ पे। 9 क्वेश्चन है गैस सामान्य मानव के शरीर में कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी होती है? 23 जोड़ा होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी में टिक ला लीजिएगा, 23 जोड़ा मतलब हो गया 46 हो गया यहाँ पे, है ना। 42, 44, 40 नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड गैस इससे रिलेटेड एक पॉइंट आप थोड़ा सा मेंशन करें, जिससे कि माँ में गैस XX होती है गुणसूत्र एंड डैड में XY होती है। अगर गैस अगर डॉटर अगर होगा तो XX क्रोमोजोम जैसे कि यहाँ पे जानते हैं, लेकिन सन होगा तो XY दोनों अगर मिक्स होगा तो ये गैस सन पैदा होगा मतलब बॉय पैदा होगा। तो ये भी थोड़ा सा जानकारी रख सकते हैं, बायोलॉजिकल रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड 10 क्वेश्चन देखिए गैस, निम्न में से कौन सा चित्र फल आम सेब के बीच सबसे अच्छा संबंध सूचित करता है? यहाँ पे देखिए मान लीजिए फल और फल के बीच में ही क्या होता है गैस, आम हो गया सेब हो गया, इस टाइप का यहाँ पे देख रहे बी को टिक लगा के एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी सी डी नहीं हो जाएगा, सॉरी गैस बी होगा यहाँ पे, बी को टिक लगा के चले आएगा। एंड हाथी कौन सा शब्द है यहाँ पे, हिंदी से भी क्वेश्चन आप लोग का आएगा, रीजनिंग से भी आएगा, तो सारे आपको क्लास वगैरह भी सारा ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो गैस तद्भव है यहाँ पे, तद्भव शब्द डी करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी नहीं होगा। तो भले ही हम क्वेश्चन कम लेके आए लेकिन काफी अच्छा हम यहाँ पे लेके आए। क्लास नॉन टेक का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 700 रुपये में, और एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले हैं यहाँ पे नॉन टेक के क्लास में, ठीक है। हम मॉक टेस्ट भी आप लोग के लिए डिजाइन कर देंगे इसी में यहाँ पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होने वाली। इस ऐप को डाउनलोड करके इस ऐप पे ही आपको प्रीवियस ईयर वगैरह PDF एक सीक्वेंस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।